दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टिस डे 11 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, वह अपनी जान भी दे देते हैं और शहादत को खुशी खुशी गले लगाते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिसने देश की संस्कृति तथा पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान तक गवा दी, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक दे दी। बात है सन 1730 की, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह को युद्ध से थोड़ा अवकाश मिला तो उसने महल बनाने की सोची। तो नया महल बनाने के लिए चूने और चूने की भट्टी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी, इसलिए राजा ने उसके मंत्री गिरधारी दास को लकड़ियाँ लाने की व्यवस्था करने के लिए बोला। मंत्री ने महल से 25 किलोमीटर दूर खेजलड़ी गांव का सुझाव किया। मंत्री गिरधारी दास ने राजा को सुझाव किया कि खेजलड़ी गांव में लकड़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह जाए और लकड़ियाँ काट के ले आए। सैनिक वहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने अमृता देवी नाम की एक महिला के घर के पास से ही पेड़ काटना शुरू किया। तब अमृता देवी ने पेड़ को काटने से मना कर दिया। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सैनिक को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर दूसरी बार मंत्री गिरधारी दास कुछ सैनिकों के साथ रात को गए और पेड़ काटना शुरू किया। जब सैनिक पेड़ को काट रहे थे तब अमृता देवी को पता चला और उन्होंने फिर से विरोध किया। विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने पेड़ को काटना बंद नहीं किया तो अमृता देवी उस पेड़ से लिपट गई और पेड़ को काटने से मना कर दिया। लेकिन निर्दयी सैनिकों ने पेड़ को काटने के लिए अमृता देवी का गला ही काट दिया और पेड़ को फिर से काटने लगे। यह देखकर अमृता देवी की तीनों संतानें भी पेड़ को लिपट गई और सैनिकों ने बड़ी निर्दयता से इन तीनों बच्चों को भी मार दिया। यह बात धीरे धीरे आसपास के 84 बिश्नोई गांव में फैल गई। धीरे धीरे सभी लोग वहां पर एकत्रित होने लगे और पेड़ों को लिपटने लगे, लेकिन निर्दयी सैनिकों ने पेड़ों को काटने के लिए धीरे धीरे सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके लगभग 363 लोग मारे गए। उसके बाद सैनिक रुक गए। जब राजा को इस बारे में पता चला तो राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और सब लोगों से माफ़ी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने शहीद हुए लोगों पर शोक व्यक्त किया और उसके बाद यह कानून बना दिया कि जिस जगह पर बिश्नोई जाति के लोग होंगे वहां पर एक भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह बिश्नोई जाति के इन बहादुर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए बहुत बड़ी शहादत दी और बहुत बड़ा बलिदान दिया। इन्हीं शहीदों को याद करने के लिए आज के दिन हम नेशनल फॉरेस्ट मार्टिस डे यानी कि राष्ट्रीय वन शहीद दिन के रूप में मनाते हैं। हम इन लोगों की इस शहादत को सलाम करते हैं और बिश्नोई जाति के लोगों को हृदयपूर्वक नमन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बिश्नोई जाति के लोगों की इस शहादत को जान सके। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी नई नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।